हाय एवरीवन, डेली कन्वर्सेशन पर मैं आज एक नया टॉपिक लेकर के आई हूँ। आज का कन्वर्सेशन दो फ्रेंड्स के बीच है जो कि काफ़ी दिनों से मिले नहीं हैं, क्योंकि एक फ्रेंड कहीं बाहर घूमने गई हुई थी। वो बाद में मिलते हैं तो इनके बीच क्या बातचीत हो सकती है या क्या बातचीत होती है, इस चीज़ को मैंने कवर किया। अगर आपने एक चीज़ नोटिस की हो तो मेरे वीडियो दूसरे के वीडियो से इसलिए अलग हैं क्योंकि मैं कोई भी सेंटेंस हो कहीं का भी सेंटेंस उठा करके उसका ट्रांसलेशन करके आपको इंग्लिश नहीं पढ़ाती, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप इसको इस तरह से पढ़िए, ऐसे सीखिए जो कि आपको एक सीक्वेंस में लगे, फ्लो में लगे, कहानी की तरह आपको लगे, तो हम इजीली उसको ग्रास्प कर पाते हैं। आपने अगर नोटिस किया हो, कुछ लोग इस तरह से आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे कि ये है टॉप के 100 सेंटेंस, डेली कन्वर्सेशन के टॉप 50 सेंटेंस, टू वर्ड सेंटेंसेस। तो इस तरह से इंग्लिश सीखने में क्या होता है, माइंड इसको जल्दी ग्रास्प नहीं कर पाता है। पर्टिकुलर सिचुएशन को लेके पढ़ते हैं तो आप उसको ईजिली पढ़ पाते हैं, जल्दी से समझ पाते हैं, क्योंकि आप उससे रिलेट कर पाते हैं। अगर आप कोई भी चीज़ नोटिस करेंगे, या तो PTM सीरीज़ हो या हाउ टू टॉक टू किड्स जैसी जो मैंने सीरीज शुरू की है, वो सब एक सीक्वेंस में है, एक पर्टिकुलर सिचुएशन को लेकर के ही उसमें जो कन्वर्सेशन मैंने कवर किए हैं। चलिए आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूँ नीति। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं सभी सेंटेंसेस को दो बार बोलूँगी, प्लीज़ आप मेरे साथ रिपीट करते रहिएगा, क्योंकि जो भी सेंटेंस मैं बोल रही हूँ वो आपके सामने स्क्रीन पर है, और लास्ट पे मैं उसका हिंदी में आपको एक बार मतलब बताऊँगी। हेलो प्रिया, आई हैवन्ट सीन यू फॉर एजेस। आई हैव बीन आउट ऑफ द सिटी फॉर अ फ्यू मंथ्स। रियली, वेयर? टू द दिल्ली? नो, माय हस्बैंड एंड आई हैव बीन टू द मुंबई। हेलो प्रिया, आई हैवन्ट सीन यू फॉर एजेस। आई हैव बीन आउट ऑफ द सिटी फॉर अ फ्यू मंथ्स। रियली, वेयर? टू द दिल्ली? नो, माई हस्बैंड एंड आई हैव बीन टू द मुंबई। तो मैं यहाँ पर प्रिया से कह रही हूँ आई हैवन्ट सीन यू फॉर एजेस। ये आप तब यूज़ करते हो जब आप बहुत दिनों से किसी को ना मिले हो, बहुत दिन हो गए हो, आपने देखा नहीं हो महीनों से। तो वो आप कह रही आई हैव बीन आउट ऑफ द सिटी फॉर अ फ्यू मंथ्स। मैं कुछ महीनों के लिए सिटी से बाहर थी, मतलब मैं बाहर गई थी। अब मैं पूछ रही हूँ रियली, वेयर? टू द दिल्ली? क्योंकि हो सकता है मुझे पता हो कि शायद तो ज़्यादातर वो दिल्ली जाती है, तो मैं पूछ रही हूँ उससे क्या तुम दिल्ली गई थी। वहाँ पे मैं गेस कर रही हूँ कि वो दिल्ली गई थी, तो लेकिन वो क्या कहती कि नहीं, मैं और मेरे हस्बैंड जो हैं वो कहाँ गए हुए थे, मुंबई गए हुए थे। आई एम श्योर यू हैव हैड अ वेरी इंजॉयबल टाइम। हाउ लॉन्ग वर यू देयर? एग्जैक्टली 2 months। वेयर इन द मुंबई यू वर? वी वर इन बालकेश्वर। ओके, I have some friends there. I'm sure you have had a very enjoyable time. How long were you there? Exactly 2 months. Where in the Mumbai you were? We were in Balkeshwar. Okay, I have some friends there. I'm sure you have had a very enjoyable time का मतलब क्या हुआ कि मुझे यकीन है कि तुम्हारा समय बहुत बढ़िया रहा होगा, बहुत अच्छा तुमने समय गुजारा। तुम वहाँ कितने दिन थी? How long were you there? वो कह रही exactly 2 months, मैं 2 महीने रुकी। वेयर इन द मुंबई यू वर? तो मुंबई में कहाँ रुकी थी? वो कह रही है मैं बालकेश्वर में। ओके, मेरे भी वहाँ पे कुछ फ्रेंड्स हैं, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स वहाँ पे रहते हैं। इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन मुंबई? येस इट इज़। लिविंग कॉस्ट इज़ टू हाई, बट गुड फॉर अस, वी आर लिविंग इन इंदौर। ओ येस, इंदौर हैज़ बीन ब्लेस्ड विद ऑल मॉडर्न एम्यूनिटीज़ एंड पॉसिबिलिटीज़ फॉर फर्दर करियर ग्रोथ। इज़ इट वेरी एक्सपेंसिव टू स्टे इन मुंबई? Yes, it is. Living cost is too high, but good for us. We are living in Indore. Oh, yes. Indore has been blessed with all modern amenities and possibilities for further career growth. So, is it very expensive to stay in Mumbai? A question format mein hai. Kya Mumbai mein rehna bahut mehenga padta hai ya bahut mehenga hai? Yes, it is. Haan, living cost bahut zyada hai. Lekin good for us. Apne liye to achha hai na. Hum Indore mein reh rahe hain. We are living in Indore. तो दूसरा जो फ्रेंड है वो क्या कह रही है, ओ यस, इंदौर में सभी आधुनिक सुविधाएं और फर्दर कैरियर डेवलपमेंट ग्रोथ के लिए काफ़ी यहाँ पे संभावनाएं हैं। डैट्स ट्रू, आई जस्ट लव इंदौर। दो ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस एड्स न्यू एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस इन आर लाइफ, बट स्टिल आई एडोर रिलैक्सिंग एट माई होम। वेल सेट, आई टोटली एग्री विथ यू। डैट्स ट्रू, आई जस्ट लव इंदौर। दो ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस एड्स न्यू एक्साइटमेंट एंड एक्सपीरियंसेस इन आर लाइफ, but still I adore relaxing at my home. Well said, I totally agree with you. That's true, मतलब ये सही है। I just love इंदौर, मुझे भी इंदौर या मुझे इंदौर बहुत पसंद है। दो ट्रैवलिंग टू न्यू प्लेसेस, हालांकि मतलब घूमने जाना नई जगहों में adds new excitement, मतलब नया जीवन में उत्साह और experiences, मतलब अनुभव हमारी लाइफ में लाता है, लेकिन फिर भी घर पे रिलैक्स होना, बैठना मुझे घर पे ज़्यादा पसंद है, मुझे अच्छा लगता है। Well said, I totally agree with you, तुमने सही कहा, मैं तुम्हें
तुमसे बिल्कुल पूरी तरह से सहमत हूँ. यू वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट? बाई फ्लाइट. देर आर डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंदौर एंड मुंबई. इट हार्डली टेक्स 2 hours टू रीच मुंबई. विच एयरवेज डिड यू फ्लाई बाय? यू वेंट टू मुंबई बाई ट्रेन और बाई फ्लाइट? बाई फ्लाइट. देर आर डायरेक्ट फ्लाइट्स बिटवीन इंदौर एंड मुंबई. इट हार्डली टेक्स 2 hours टू रीच मुंबई. विच एयरवेज डिड यू फ्लाई बाय? मुंबई कैसे गई थी, ट्रेन से या फ्लाइट से? नहीं, फ्लाइट से. मुंबई और इंदौर के बीच काफ़ी डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं और मुश्किल से 2 ही घंटे लगते हैं मुंबई पहुंचने के लिए. तुम कौन से एयरवेज से गई थी? इंडिगो. हाउ वॉज द फ्लाइट एंड सर्विस? इट वॉज फैंटास्टिक. इट वॉज अ शॉर्ट फ्लाइट. हाउ टाइम फ्लाइज वी नेवर नो. इंडिगो. हाउ वॉज द फ्लाइट एंड सर्विस? इट वॉज फैंटास्टिक. इट वॉज अ शॉर्ट फ्लाइट. हाउ टाइम फ्लाइज वी नेवर नो. यहाँ पे वो जवाब दे रही है कि मैं इंडिगो एयरवेज से गई थी. तो वो पूछ रही कैसी थी फ्लाइट और उसकी सर्विसेज कैसी थी. तो उसने कहा बहुत अच्छी थी, फैंटास्टिक थी. हालांकि बहुत छोटी फ्लाइट थी क्योंकि 2 घंटे से भी कम समय लगा, तो इसलिए कैसे टाइम उड़ गया पता ही नहीं चला. हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू रीच मुंबई? वी टुक ऑफ फ्रॉम इंदौर एट 5 PM एंड लैंडेड इन मुंबई एट 6:35 PM. व्हाट्स योर इम्प्रेशन अबाउट द पीपल ऑफ मुंबई? How long did you take to reach Mumbai? We took off from Indore at 5 PM and landed in Mumbai at 6:35 PM. What's your impression about the people of Mumbai? तुम्हें मुंबई पहुंचने में कितना समय लगा? तो लगभग शाम को 5 बजे इंदौर से फ्लाइट ने उड़ान भरी और 6:35 पे हम मुंबई पहुंच गए थे. तुम्हारा मुंबई के लोगों के बारे में क्या ख्याल है? What's your impression about the people of Mumbai? They are very reserved. They mind their own business and are not at all nosy. But if you ask for any help, they are ready to lend help. Mumbai is a city of tall building and a maze of flyovers like some of those in Indore. They are very reserved. They mind their own business and are not at all nosy. But if you ask for any help, they are ready to lend help. Mumbai is a city of tall buildings and a maze of flyovers like some of those in इंदौर. वहाँ के जो लोग हैं वो अपने काम से काम रखते हैं, बट दे आर नॉट एट ऑल नोजी. इसका मतलब होता है दूसरे के मामलों में जो दखल ना दे, लेकिन अगर आप उनसे हेल्प मांगेंगे, कुछ मदद मांगेंगे, तो वो ज़रूर हेल्प करेंगे. मुंबई इज़ अ सिटी ऑफ टॉल बिल्डिंग्स. मुंबई जो शहर है बहुत ऊँची इमारतों का शहर है और फ्लाई ओवर्स के जाल हैं, जैसे कि कुछ हम इंदौर में भी देखते हैं. बट इट इज़ रियली बसलिंग. ओवर पॉपुलेशन हैज़ बिकम अ ग्रेट प्रॉब्लम. यस, इट्स अ मैटर ऑफ ग्रेट कंसर्न. यू मस्ट हैव विजिटेड सम ऑफ द फेमस प्लेसेस ऑफ मुंबई. But it is really bustling. Overpopulation has become a great problem. Yes, it's a matter of great concern. You must have visited some of the famous places of Mumbai. हाँ, जनसंख्या बहुत ज़्यादा है. Overpopulation क्या हो गया है, एक बहुत बड़ी समस्या हो गई मुंबई की और ये बहुत बड़ा चिंता का कारण भी है. It's a matter of great concern. तुमने मुंबई के कुछ खास जगह तो ज़रूर घूमी होगी. Yes, caves of Elephanta and Kanheri caves are just an epitome of rock architecture. Have you visited Siddhivinayak temple to seek blessings of Lord Ganesha? Yes, caves of Elephanta and Kanheri caves are just an epitome of rock architecture. Have you visited Siddhivinayak temple to seek blessings of Lord Ganesha? हाँ, Elephanta और Kanheri की गुफाएं पत्थर शिल्प की सबसे उत्कृष्ट नमूना है. क्या आप सिद्धिविनायक टेम्पल गए थे भगवान गणेश का आशीर्वाद लेने? Yes, I had been there thrice. It remains packed with devotees. Yes, it is. Have you ever tried to catch local trains of Mumbai? Yes, I had been there thrice. It remains packed with devotees. Yes, it is. Have you ever tried to catch local trains of Mumbai? हाँ, मैं वहाँ पे 3 बार गई थी. वो भक्तों से हमेशा भरा पड़ा रहता है. हाँ, वो तो है. क्या तुमने कभी मुंबई की लोकल ट्रेन में सफ़र किया? No, that was not my cup of tea. Condition of local trains are horrible. What's your next plan? That we have not decided yet, but this time I would love to explore northeast of our country. No, that was not my cup of tea. Condition of local trains are horrible. What's your next plan? That we have not decided yet, but this time I would love to explore northeast of our country. नहीं, वो मेरे बस की बात नहीं है. लोकल ट्रेन की स्थिति तो बहुत ही खराब है. तुम्हारा नेक्स्ट प्लान क्या है? अभी तक तो हमने डिसाइड नहीं किया, लेकिन नेक्स्ट टाइम मैं नॉर्थ ईस्ट तरफ जाना पसंद करूँगा. That's a great idea. Northeast is a great destination to pursue your wanderlust. Well, I'm afraid it's getting late and I have a long way to go. Okay, take care. See you soon. Let's plan this weekend to hang out together. That's a great idea. We will be in touch. अरे वो तो बहुत बढ़िया आइडिया है. नॉर्थ ईस्ट तो बहुत बढ़िया जगह है घूमने के लिए. हाँ, मुझे डर है शायद मैं थोड़ा सा लेट हो रही हूँ, मुझे काफ़ी दूर जाना है. हाँ, ओके, टेक केयर. आप अपना ध्यान रखो. चलो, इस वीकेंड में अपन साथ में मिलते हैं, हैंग आउट करेंगे कहीं पे. That's a great idea. बहुत बढ़िया तुमने सोचा. चलो, हम एक दूसरे पे टच में रहेंगे, मीन्स एक दूसरे कॉल करेंगे.
थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज के वीडियो में बस इतना ही।